नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नया न्यूज। अभी एक दिन पहले खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले 2019 के चुनाव में पीएम पद का उम्मीदवार मैं बनूंगा। हालांकि ऐसी इच्छा उनकी, और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी उस तरीके का काम कर रहे हैं जैसे कोई जब किसी गांव में पानी नहीं होता है तो टैंकर आता है, और उन्होंने बाल्टी का उदाहरण दिया कि टैंकर आता है और लोग उस टैंकर के पास उधर लाइन में बाल्टियां लगा के चले जाते हैं कि आने वाला जब टैंकर आएगा तो उनकी बाल्टी भर जाएगी। लेकिन वो उसी गाँव में एक नकचढ़ा और बदमाश टाइप का, जो दबंग टाइप का आदमी होता है, वो जब टैंकर आता है तो सबकी बाल्टी हटा देता है और सबसे आगे अपनी बाल्टी भरने लगता है। और वही कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर भी है कि प्रधानमंत्री की कतार में वरिष्ठ नेता और बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी बाल्टी रख दी, यानी कि मैं प्रधानमंत्री बनूँगा। तो ऐसे तौर पर, और अहमद पटेल अब उसकी बात कहीं ना कहीं जिस मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके का कटाक्ष किया और कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। और कांग्रेस में प्रतिक्रिया क्या हुई आई है आपको मैं बता दूं कांग्रेस की तरफ से, कि राहुल गांधी अहमद पटेल जो गुजरात के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये नतीजे पर निर्भर करता है कि 2019 का नतीजा क्या आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या परंपरागत जो परिवारवाद है उसकी चपेट में ही चल रहे हैं, क्या वो परिवारवाद निभा रहे हैं? देखने में यही आता है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि अहमद पटेल राज्यसभा सांसद हैं, या अहमद पटेल वही जिन्होंने गुजरात चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं निभाई थी, क्योंकि गहलोत जो अशोक गहलोत है राजस्थान को उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था। लेकिन अहमद पटेल जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं और बहुत पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि उन्हें अपना हक मांगना आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर जता दिया है कि कर्नाटक में आने वाले कर्नाटक के बाद, यानी कि जो विधानसभा चुनाव है उसके बाद जो 2019 का चुनाव होगा उसमें हमारे नेता राहुल गांधी ही होंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस समय सभी की नज़र कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है, और लेकिन इस सभी के बीच 2019 की लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने की बात कही है, और अब उनकी पार्टी भी उनके इस बयान के साथ खड़ी नज़र आ रही है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि 2019 आम चुनाव में राहुल गांधी ही उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। अब बुधवार को अहमद पटेल ने कहा कि हमारे पार्टी अध्यक्ष ने पहले ही बयान दे दिया है, अब ये इस पर निर्भर करता है कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सभी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर ही निर्भर करेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये राहुल गांधी का अहंकार नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला किया जाएगा। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। यानी कि
अहमद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से ये तकनीक सीखी है कि किसी प्रोजेक्ट को बड़ा दिखाओ और ऐसा कहो कि विकास हो रहा है, लेकिन असलियत में कोई विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि साबरमती जो फ्रंट बुलेट ट्रेन मेट्रो ट्रेन को विकास के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन अगर आप गांव में देखेंगे तो कोई भी विकास नहीं है। आज सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। हालांकि एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि अगर आप विकास के लाख दावे करते हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, या फिर किसी भी दल की सरकार बनी रहे, कि हम उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो चकाचौंध पर होती हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन, फ्रंट सब नदियों के किनारे फ्रंट बनाना। इससे क्या है कि हाईलाइट सरकार की योजनाएं जो हैं वो हाईलाइट होंगी, और उस हाईलाइट में जनता ये सोचेगी वास्तव में सरकार है वो विकास करा रही है। लेकिन सच तो ये है जो अहमद पटेल कहते हैं कि आप गांव में देखेंगे तो कोई भी विकास नहीं। आज सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लीजिए। तो जिन्हें 60-70 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है टीचरों को, उनकी हालत ये है कि अगर स्कूल 8 बजे का 7 बजे का है तो बच्चे तो 7 बजे आ जाते हैं, लेकिन मास्टर साहब 8-9 बजे से यानी कि 9 बजे तक आते हैं। और क्योंकि सरकारी है, ये भी एक बहुत बड़ी जो दिमाग में मेंटेलिटी है कि लोग सोचते हैं कि अरे मास्टर की जो नौकरी होती है बहुत सरकारी होती है और बड़े आराम की होती है, आराम से बच्चों के बीच कुर्सी डालो, पेड़ की छाया के बीच आराम से बच्चों को बोलो कि आप पढ़ो और हम आराम से नींद पूरी करते हैं। इन चीज़ों पर बदलाव क्यों नहीं होता है? प्राइमरी स्कूल है, वहाँ कितनी पढ़ाई होती है क्या ये पता है? नहीं है पता। तो इन चीजों को कौन समझेगा, कौन जानेगा? जहां अहमद पटेल ने इस चीजों का जिक्र किया कि गांव और कस्बों में आप जाएंगे तो रोडों की खस्ता हाल है, गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे हैं ये समझ में नहीं आता है, लोग चलने के लिए बेहाल रहते हैं, कैसे वो अपने शहर की तरफ जाएं, हालांकि खेतों में भी निकल खेतों में जाने के लिए भी रास्ता सेफ नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पानी बरस जाता है तो लोग पूरे घुटनों तक कीचड़ आ जाता है। क्या इन पर विकास की बात नहीं हो सकती है? आज पानी की किल्लत है, लोग हेडपम्पों से पानी भरने के लिए जाते हैं लेकिन हेडपम्प में पानी नहीं आता है, वाटर लेवल कम हो गया है। क्या सरकार ने पानी की व्यवस्था के लिए कुछ सोचा है? लेकिन हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, पानी भले ना हो लेकिन हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, क्यों? गांव में कस्बों में लाइट नहीं, हालांकि अब तो हर कस्बे में या गांव में कहीं ना कहीं लाइट पहुंच रही है। देखा ये जा रहा है कि अगर गांव की अगर बात की जाए तो लोग नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, लोग बात कैसे कर पाएंगे? हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। किसी गांव में चले जाइए आप, हालांकि कई गांव में शायद नेटवर्क की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां एक माँ अपने दूर शहर में बैठे अपने बेटे से भी बात नहीं कर पाती क्योंकि फ़ोन ही नहीं लगता है, नेटवर्क ही नहीं आता है, हफ्तों हफ्तों भर बात नहीं हो पाती है। क्या सरकार इन चीज़ों को दुरुस्त कराने में काम करती है? कई गांव में पाइपलाइंस भी नहीं है पानी की, टंकी नहीं है पानी की, क्या उस पर बात होती है? क्या वहां ये विकास नहीं हो सकता है? चिकित्सालय नहीं है, हालांकि गांव वालों जो गांव के लोग हैं उनका भी फर्ज बनता है कि अगर सरकार कोई भी चीज़ें लागू कर रही है तो उसको पूरी तरीके से भुनाना है। गांव में भी यही होता है कि लोग इस तरीके की दिमाग लोगों का हो गया है कि अगर सरकार की कोई नीतियां आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग्स बनती है, अस्पताल बनते हैं तो उसमें पशुओं को अपनी काम के लिए यूज करने लगते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो जाहिर सी बात है कि अहमद पटेल ने जो चीज़ें पर टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ हदों तक सही है। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बयान पर पीएम मोदी ने भी टिप्पणी की कि बुधवार को कर्नाटक के चुनाव में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता का बयान नामदार के अहंकार को दर्शाता है, कोई कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकता है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि उन्होंने एक संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।